निर्धारित कर्म जो है उसके सिवा अन्य कर्म नहीं कर सकते। और वो कर्म कैसे करें, तो तीसरे चरण में कहा, मय्यर पित मनोबुद्धि ही मामे वैश्यस्य संशयम्। मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करके कर। इस अध्याय में ज्ञान और भक्ति का इतना अद्भुत समन्वय है। मन और बुद्धि, ये संसार में सब लोग यही मांगते हैं, मन मांगते हैं, सभी की डिमांड यही। छोटा बालक भी होगा ना, 2-3 साल का, दादी माँ की गोद में खेल रहा है और दादी माँ को लगता है कि अब ये खेलने लगा, दादी माँ कुछ अपना काम शुरू करें तो बालक तुरंत कहेगा, दादी माँ नहीं, तेरा काम नहीं, मेरे मन तेरा इधर होना चाहिए। पति हमेशा चाहता है कि पत्नी का मन उसमें रहे, पत्नी हमेशा चाहती है कि पति का मन उसमें रहे। अरे भोजन भी करने बैठे हो किसी के वहां, तो भोजन करते करते आप उधर उधर की बातें करेंगे और भोजन में ध्यान नहीं देंगे तो जिसने भोजन बनाया उसको अच्छा नहीं लगता। आप मन लगाकर भोजन करो। सौम्य जोशी का एक नाटक वडोदरा में जब कथा थी, बड़ोदरा में हमारे कृष्णाबेन और धर्मेश भाई दोषी परिवार ने बहुत सुंदर आयोजन किया था, कथा शाम को प्रातः काल में सत्र और शाम को फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें अमित भाई को शायद याद आए, 3 ही पात्र थे, पति पत्नी और एक बेटा, जिंदगी कुछ ऐसा नाम था, और उसकी एक छोटी सी क्लिप गुजराती ड्रामा की बहुत व्हाट्सएप पे भी वायरल हुई थी कि भोजन करने बैठे तो कैसे करने बैठे, और वो टिपिकल अहमदाबाद की भाषा में, वो जो जिग्ना जोशी एक्ट्रेस वो कहते हैं कि दाल पण खावानी केम खावानी, लाडवो खावानो तो के खबर है, क्लिप छे वो एक कि तुम ऑफिस का सोचते हुए उधर की बात करते हुए पड़ोसी क्या करे, ऐसे नहीं, कितनी मेहनत से मैंने दाल बनाई है और आप जब भोजन करने बैठे हो तो जो एवो सबड़ को लियो ऐसी कोई, हाँ एक आपने दाल ऐसी ली तो अंदर भीतर तक ऐसी पहुंच जानी चाहिए, अणु अणु में ऐसा हो जाना चाहिए कि वाह, तो बनाने वाले को आनंद होगा। अब मशीन की तरह अंदर सब डाल रहे हो, इधर की बात करो, कोई फोन पे बात करो, इतनी माताएं बहने बैठी हैं, बेंतन गमे राजेश भाई विते जमे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। नीलम पसंद आएगा तुझे? नहीं आएगा। 15-20 मिनट भोजन के लिए बैठे हो तो फिर बाकी सब छोड़ दो, इन्वॉल्व हो जाओ। ये क्या है डिमांड, कि आपका मन मुझे चाहिए, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, मैंने अपना स्वधर्म निभाया है, जो मेरा कर्तव्य था, मेरी जिम्मेदारी थी भोजन बनाना, मैंने अच्छी तरह से बनाया, अब आप मन उसमें मुझे दो, आप आपका कर्तव्य निभाओ। अभी भगवान कहते हैं मय्यर पिता मनो, ये संसार में सभी लोग मन चाहते हैं, तो भगवान भी ये कहता है मन मुझे दो, बुद्धि मुझे दो।